आज का टॉपिक है पावर फैक्टर पीएफ और पीएफ इम्प्रूवमेंट। ये सेटअप है, ये इनकमर पावर सप्लाई है और ये पीएफ मीटर है जो कि यहाँ है। ये यहाँ पर पावर फैक्टर मेजर करेगा, ये हमारा पीएफ मीटर। उसके बाद इस वायर में हमने क्लैंप मीटर लगा रखा है जो कि करंट मेजर करेगा जो कि यहाँ फ्लो होगी। और ये लोड है, हमारे पास चार तरह के लोड हैं, मैं चारों तरह के लोड आपको दिखाता हूँ। ये ट्यूबलाइट का लोड है, इसमें चोक कॉइल का प्रयोग किया गया है। सीएफएल लैंप, एलईडी बल्ब, टेबल फैन। इसके अलावा ये दो कैप्चर हमने लगा रखे हैं, ये वाला कैप्चर ये है, ये वाला कैप्चर ये है। ये दोनों हमने पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए लगाए हैं। हम ट्यूबलाइट का पावर फैक्टर इम्प्रूव करके दिखाएंगे। ये दोनों कैप्चर दो स्विच से ऑन होते हैं मैन्युअली। ये वाला स्विच ये है, ये वाला स्विच ये है। यहाँ आप देख रहे हैं हमने एक रजिस्टर लगा रखा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कैप्चर के पैरेलल में। यह 2.2 मेगा ओम 1 वाट का है इस कैप्चर को डिस्चार्ज करने के लिए। और यह वायर लोड को जा रहा है, लोड हमने दूर रखा है जिससे फोकसिंग का प्रॉब्लम ना हो। अब हम यहाँ पर ट्यूबलाइट का लोड लगाते हैं। ट्यूबलाइट ऑन हो गई, ये ट्यूबलाइट लोड यहाँ कनेक्ट है। आप देखिए ट्यूबलाइट यहाँ पे हमने लगा रखी है, इसका पावर फैक्टर है 0.568 और करंट फ्लो कर रही है 0.3 एम्पियर। अब हम एक कैप्चर ऑन कर देंगे ये स्विच से, इस स्विच को यूज करके, तो ये पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा और यहाँ करंट भी कम हो जाएगी। देखिए ऑन करते हैं क्या होता है, देखिए पावर फैक्टर बढ़ गया, 0.68 हो गया और यहाँ पे करंट भी कम हो गई, 0.25 एम्पियर आ गई। अब हम ये वाला कैप्चर भी ऑन कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है, ये और इम्प्रूव होगा, यहाँ करंट और कम होगी। देखिए हमने ऑन कर दिया है, हाँ देखिए पावर फैक्टर 0.81 हो गया अब और यहाँ पे करंट आ गई 0.211। तो ट्यूबलाइट का पावर फैक्टर खराब था, इस कैप्चर के ऑन करने से थोड़ा इम्प्रूव हुआ, इस कैप्चर के ऑन करने से थोड़ा और इम्प्रूव हुआ। तो कैप्चर को जब एक एक करके ऑन करते हैं तो यहाँ पर टोटल का लोड और दोनों कैप्चर या एक कैप्चर मिला के यहाँ पे पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है और यहाँ पे करंट कम होती है। अब हम सीएफएल लैंप का लोड यहाँ लगाते हैं। सीएफएल लैंप ऑन है। अब सीएफएल लैंप का पावर फैक्टर है 0.66 और करंट है 0.06 एम्पियर। पावर फैक्टर काफी कम है। अब यहाँ पर हम एलईडी बल्ब का लोड लगाएंगे। एलईडी बल्ब ऑन है। अब देखिए एलईडी बल्ब का लोड यहाँ हमने लगाया तो पावर फैक्टर आ रहा है 0.99, बहुत बढ़िया पावर फैक्टर है एलईडी बल्ब का। ये हमारा मीटर जो पढ़ रहा है और करंट आ रही है 0.025 एम्पियर। अब यहाँ हम टेबल फैन का लोड लगाएंगे। टेबल फैन ऑन कर दिया है, देखिए टेबल फैन का लोड हमने यहाँ लगा दिया, पावर फैक्टर आ रहा 0.99, मतलब टेबल फैन का पावर फैक्टर बहुत अच्छा है और करंट आ रही है 0.183 एम्पियर। आज यहीं समाप्त करते हैं।